ये चल रही है ईवी पे, अगर दिखा सकते हो यहाँ पे सब, ये प्रॉपर अभी ईवी मोड पे चल रही है, दिखा है, आ रहा है वहाँ पे। और अभी इसको ड्राइव करके देखते हैं स्पोर्ट मोड पे भी और ईवी मोड पे भी। ये ईवी में चल रही है अभी, इसका कुछ ऑन नहीं है, अभी चल रही है ये इसमें। जब भी आप एक्सलरेट ज्यादा करते हो तो आपकी शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली पेट्रोल नॉर्मल इको मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में भी चला के देखेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है हमारे पास द ऑल न्यू ग्रैंड विटारा ब्रेजा, जो कि आप देख सकते हो ये गाय वाय भी साथ दे रही है हमारा वीडियो बनाने में। और भाई इसका जो लेटेस्ट, जो मतलब जो उनका मारुति वाले वो कलर होता है वही है, और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है। और भाई देखने में तो ये गाड़ी यार, ये चलने में तो, देखने में तो भाई बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी, प्रीमियम फील दे रही है कि अलग ही कुछ कर दिया मारुति वालों ने। इसका डायरेक्ट कंपेरिजन होता है अर्बन क्रूजर हाई राइडर से, और जैसे कि लुक के बारे में बात कर सकते हो, पीछे से ऐसी फील आती है जैसे रेंज रोवर, जैसे कि बहुत लोगों ने बेस मॉडल लेके इसमें अलॉय वलॉय टायर वायर डलवा दिए यहाँ पे, और मतलब लग रही है प्यारी। और इसका एक और कंपैरिजन हो सकता है क्रेटा, सेल्टॉस, वेल्टॉस, इन सबसे, जो ये क्लेम करेगी हाँ, लेकिन पावर स्पेक पे नहीं होगा। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है इसका, और इसकी कुछ ऐसी चाबी आपको देखने में मिल जाती है। और जैसे यहाँ टायर का साइज भी देख सकते हो, तो आपको 17 इंचेस के इसके आपको अलॉय मिलते हैं टॉप मॉडल में। और अभी इसके अंदर जाके बात करते हैं, देखते हैं कैसी लगती है, उतनी प्रीमियम है या नहीं है। तो भाई यार नो डाउट गाड़ी मारुति ने प्रीमियम कर दी है, और बिल्ड क्वालिटी देखो आप इसकी, ठीक है, मतलब सैटिस्फाइंग है, स्विफ्ट की तरह नहीं, जैसे मतलब स्विफ्ट की आपको पता ही कैसी बिल्ड क्वालिटी होती है। और ये हाइब्रिड है तो ईवी वाला इसका पूरा ब्लू दे रखा है यहाँ पे सीन है। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं, अब देखो भाई इसका पहले एसी ऑफ करके आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, ऑफ हो गया सारा, उसके बाद वापस बताता हूँ आपको स्टार्ट कर, देखो आप ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई, आपको लग रहा है स्टार्ट हुई है, ये देखो आप थोड़ा एक्सीलरेट किया और इसके अंदर भाई पूरा स्टार्ट होती है आपका 360 डिग्री आपका कैमरा मिल जाता है अच्छे से, और ये पूरा रोटेट हो रहा है, चेक सराउंडिंग, सेफ्टी देखो कितने प्यारे तरीके से आता है, और बहुत प्रीमियम बना रखा है। और ये इसका गियर बॉक्स यहाँ दे रखा है, यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आया था, पहले इसका एसी ऑन कर दें थोड़ी भाई, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, और भाई वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ठंडी कर रही है इसकी, तो इसको अभी बंद कर दूंगा अभी के लिए। और आप लुक देख सकते हो पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम बना दिया मारुति ने, और जितना प्राइस है और वर्थ द मनी मेरे को लग रहा है। और चला अभी चला के भी दिखा दूंगा कैसी लग रही है। और ये भी आपको पूरा सेम अप डाउन वाला टेम्परेचर वेम्परेचर सब वैसे मिल जाता है। और यहाँ आप जैसे आप देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है ये पूरा डिजिटल दे रखा है, ये टॉप ऑफ द लाइन है, जो इससे नीचे वाला जाओगे तो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल नहीं मिलेगा, आपको एनालॉग वाला मिलेगा, जो ये ज़्यादा मेरे को बेटर लगता है। और ये आपका पूरा बैटरी चार्ज कितनी हो रखी है ये तो यहाँ दिख जाएगा आपको, और ये आपका फ्यूल और आपका कितनी गर्म हो रखी है गाड़ी। और यहाँ तीन टाइप के मोड है आपके, पावर, इको, और ये सीएचजी पता नहीं क्या है मेरे को, ये पता करना पड़ेगा। और अभी जैसे मैं चलाते हुए आ रहा हूँ तो 18 की एवरेज दे रही है, जो कि भाई बहुत बढ़िया है। और एक बात है इस गाड़ी में कि 30 तक चलेगी है आपकी बैटरी पे, और उसके बाद आपकी नॉर्मल पेट्रोल में चलती रहेगी, और डिपेंड करेगा स्पीड टू स्पीड की कितनी सही चल रही है। और आपकी इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, सीट क्वालिटी, जो वेंटिले अभी इसके अंदर ऑन देखो, जैसे अभी तो ऑन था तो यहाँ भाई पूरी ठंडी ठंडी हो रखी है, और प्रीमियम दे रखा है पूरा यहाँ पे। और यहाँ भाई पूरा सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, ये प्लास्टिक है, ये थोड़ी फिनिश मिल जाती है अच्छी यहाँ पे। और देखो ये, लेकिन एक चीज़ है इसमें आवाज़ आ रही है, जो वेंटिलेटेड सीट है अगर इसको फुल में कर रहे हो तो इसको कम करते हैं, लेकिन अभी भी आवाज़ आ रही है, ये मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है भाई इसके बारे में। और स्पेस वेस के मामले में बढ़िया है, और ऊपर आपको भाई सनरूफ मिल जाती है, प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है यहाँ पे, ये जो कि पूरा ऊपर तक ये खुल जाती है वन टच में, और देख सकते हो सनरूफ खुलेगा यहाँ पे पूरा, ये कहाँ तक खुलता है देखते हैं भाई, मतलब सही खुल जाता है, इतना स्पेस है कि दो लोग तो आराम से आ सकते हैं यहाँ पे,
मेरे जैसे नहीं आएंगे, मेरे जैसे एक ही आएगा, लेकिन ऊपर आ जाएंगे भाई दो लोग बढ़िया तरीके से। और ये ऑटो डिमिंग आपको रियर व्यू मिरर मिल रखा है इसका। और अब इसकी बात करें मल्टीमीडिया की, तो भाई इसकी भी बढ़िया ये टच वच तो मेरे जैसे देख रहा हूँ सही हो रखा है भाई। ऑनेस्टली मैं तो पहले, मैंने इसको कोई ऐसे नहीं है रिव्यू करने से पहले मैंने इसको छेड़ा वाड़ा, मैं आपको रॉ बता रहा हूँ कि हाँ जैसे कोई नॉर्मल बंदा गाड़ी में बैठता है और आपको बताऊँगा इसके अरेंज की, तो मेरे को भी अभी पता चल गया। जैसे अगर इसको होम में जाते हैं इसके, तो यहाँ पे कनेक्ट वनेक्ट वायरलेस एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले सब आ जाता है इसके अंदर, और ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और फ्यूल इकोनॉमी भी भाई ये बढ़िया चीज़ है यहाँ दिख जाती है, और रेंज भी आपको यहाँ प्रॉपर दिख जाती है। और इसके अंदर और जैसे बता सकते हो, जैसे ये जो है आपका ये आर्म रेस्ट जो है पीछे आगे कर सकते हो, और यहाँ फुल भाई ठीक ठाक स्टोरेज मिल जाती है। ये ग्लव बॉक्स देख सकते हो, ये शायद कूल ग्लव बॉक्स है, ठंडा लग रहा है, अगर नहीं है तो भाई वो कर देना, इग्नोर कर देना क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं। और यहाँ नीचे प्रॉपर आपको जैसे ये देख सकते हो लाइट जो है ना, ये जैसे खोलते हैं तो रात को दिखेगी। और अब इसकी गाड़ी के थोड़ा पीछे आ जाते हैं कि क्या सीन है इसका पीछे गाड़ी में। तो भाई अभी मैंने एडजस्ट कर रखी थी अपने हिसाब से सीट, है ना, पूरी प्रॉपर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी मैंने। और स्पेस देख सकते हो आप गाड़ी में, कंफर्ट है नो डाउट, क्रेटा जितना स्पेस है वो डिनाई नहीं करूँगा। और ऊपर अभी भाई सनरूफ प्रॉपर खुली हुई है, लेकिन यहाँ तक, लेकिन हाँ यार ये जो है ना, ये देखो हेड रूम मेरे हिसाब से, देखो अगर मैं ऐसे बैठूँ ना शायद, देखो अभी लग नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरे से ऊपर का शायद ना कंफर्टेबल हो, लेकिन पीछे की सीट वीट है जो प्रॉपरली कंफर्टेबल है यहाँ पे। और क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया है ना बहुत सही है। और यहाँ एसी वेंट मिल जाते हैं आपको, जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ब्लोअर सही कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे आप, ये ढंग से दिख रहा होगा आपको, जो ये प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट मिल गए, ये आपको कुछ रखने के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा। और ये आपको प्रॉपर यहाँ पे भी पियानो फिनिश में मिल जाएगा। अभी आपको इसकी दिखाता हूँ पीछे की स्पेस कितनी है, स्टोरिंग स्पेस कितनी है। ये देखो ये स्टोरिंग स्पेस है आपकी, ये आपकी ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, ये जैसे आपको अगर नॉर्मल है नॉर्मल ऐसे रहेगी, ठीक है। जो ये कि ये पूरी आपकी बैटरी है, जो ईवी की बैटरी है ना भाई, ये देखो ये पूरी यहाँ पे बैटरी है जो लगी हुई है ये। और ये अभी ऊपर करके अगर आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए तो इतना आपको स्पेस मिलेगा। नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड से थोड़ा कम स्पेस है, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए, लेकिन हाँ कम है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप वो मतलब वैसे भी वह एवरेज वो भी देगी, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल एवरेज दे पाएगी आपको। और यहाँ आप प्रॉपर एलईडी वेलईडी आपको दे रखा है। और ये इसका ये फ्यूल टैंक अभी देख सकते हो आप, ये इसका 360 डिग्री कैमरा भी बैक कर रहा था, अभी इसको ड्राइव करके आपको बताता हूँ मैं कि कैसी लगती है ये चलाने में, कैसा है इसका। अभी बेल्ट पहन लेता हूँ, पहन नहीं थी भाई, अभी ये चल रही है ईवी पे, अगर दिखा सकते हो यहाँ पे, तो ये प्रॉपर अभी ईवी मोड पे चल रही है, दिखा है, आ रहा है वहाँ पे। और अभी इसको ड्राइव करके देखते हैं स्पोर्ट मोड पे भी और ईवी मोड पे भी, ये ईवी में चल रही है अभी, इसका कुछ ऑन नहीं है, अभी चल रही है ये इसमें। जब भी आप एक्सलेट ज़्यादा करते हो तो आपकी शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली पेट्रोल नॉर्मल इको मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में भी चला के देखेंगे। अभी भाई 70 की स्पीड में चल रही है, और भाई मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही यार, कुछ भी आवाज़ 1% आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। और कैबिन नॉइस तो है ही नहीं भाई इस गाड़ी में। और अभी इसको दिखा सकते हो आप, ये यहाँ पे आपको एवरेज कितना शो कर रही है, आप अभी देखो ये आपको 17.9 का शो कर रही है। और इसके अंदर अगर मोड में चेंज करता हूँ, इसके ड्राइव मोड जैसे यहाँ पे है, ये देख सकते हो अभी ये ड्राइव मोड वापस चेंज करूँगा, ये आपका स्पोर्ट मोड आ गया, रेड में आ गया ना, ये स्पोर्ट्स मोड है आपका। और स्पोर्ट्स मोड में रेफ करते हुए पूरा सही एक्सेलरेशन है, मतलब जैसे मैं क्रेटा ऑन करूँ, क्रेटा से तेज़ नहीं लग रहा लेकिन स्मूथ है, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है, और बढ़िया भग रही है भाई, बहुत सही भग रही है। थोड़ा सा बॉडी रोल दिख रहा है मेरे को 80 के 90 स्पीड के ऊपर यहाँ पे, मे बी रोड्स के हिसाब से, लेकिन हाँ हल्का बॉडी रोल है क्योंकि बॉडी बहुत लाइट है इसकी। लेकिन जब मैंने ये किया ना, बंद किया दरवाज़ा, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं, मेरे को लगा हाँ सेफ्टी वाइज इसके अभी रेटिंग आई नहीं है, लेकिन मोस्टली सही रेटिंग होगी इसकी जैसे ब्रेजा की। अभी ये देखो अभी गाड़ी ऑन है, आवाज़ आ रही है आपको, देखो यहाँ तक करूँगा, जब भी नहीं आ रही होगी भाई आपको आवाज़। अभी रुक जाओ, इसको कहाँ से इसका ऑन करने का, ये हाँ
भाई कुछ आवाज ही नहीं है गाड़ी में। लेकिन एक चीज है भाई मारुति में, देखो पूरा इंजन खोल कवर्ड नहीं है यार इसका इंजन, ये एक प्रॉब्लम है इसको ना थोड़ा। एक से रुक जाओ यार मेरे को थोड़ा इसको, भाई अब ऑन हुआ है इसका इंजन अचानक से, अभी तक ईवी में था, अभी देखो अभी अभी आवाज आने लगी ना आपको। अब इसका ये इंजन है जो ऑन हो रखा है, जो कि भाई 3 सिलेंडर का इसमें इंजन मिल जाता है आपको, 91 PS की हाइब्रिड, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है, 91 PS की पावर देता है और 122 Nm ऑफ टॉर्क। और जो इसका माइल्ड हाइब्रिड है वो आपको ज़्यादा पावर देता है, क्योंकि ये है ईवी वाला, ईवी भी बैटरी से चलती है तो इसमें इतनी पावर नहीं है। लेकिन ये आपको कुछ इसका प्रॉपर इंजन मिल जाता है जो मारुति वालों ने दिया है आपको। और अब इसके अंदर थोड़ी हल्की फुल्की आवाज़ आने लगी इंजन खोल के, नहीं तो अगर आप देख सकते हो इंजन, अगर अब इसको बंद करता हूँ तो मैं एक सर को, अब देखो इतनी आवाज नहीं है भाई, मतलब सही प्रॉपर सही कर रखा है। और इसी के साथ भाई अपना वीडियो भी यहीं एंड करना चाहूंगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।